उत्तर प्रदेश के संभल में बिजली विभाग की टीम ने समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर ही रेड मार दी, जिसमें बिजली चोरी पकड़ी भी गई। छापेमारी में पता चला कि बिना कनेक्शन के सपा कार्यालय में बिजली का इस्तेमाल हो रहा था। दरअसल बिजली विभाग की टीम बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चला रही थी, इसी दौरान टीम ने सपा कार्यालय पर रेड मार दी। पता चला कि पूर्व जिला अध्यक्ष फिरोज खान बिना कनेक्शन के सपा कार्यालय पर बिजली इस्तेमाल कर रहे थे। रोड पे बैजोई रोड पे हम लोग चेकिंग वैन कर रहे थे, तो वहाँ पे एक सपा कार्यालय है, तो वहाँ पे डायरी चोरी पाई गई। छापेमारी के दौरान बिना कनेक्शन के 4 किलोवाट से ज्यादा लोड मिला, जिसके बाद सपा नेता के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराया गया। इससे पहले भी बिजली विभाग की टीम ने बसपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री अकीलुर रहमान के आवास पर बिजली चोरी पकड़ी थी। सुल्तानपुर और बहराइच में हुए एनकाउंटर पर सवाल उठने के बाद योगी सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने एनकाउंटर को लेकर दिशा निर्देश जारी किए, जिसके मुताबिक एनकाउंटर में मौत या घायल होने पर घटनास्थल की वीडियोग्राफी होगी। एनकाउंटर में अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसके पोस्टमार्टम की कार्रवाई को वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड किया जाएगा, साथ ही 2 डॉक्टरों की टीम पोस्टमार्टम करेगी। इसके अलावा घटनास्थल की जांच विधि विज्ञान प्रयोगशाला के एक्सपर्ट से कराई जाएगी। एनकाउंटर की जांच घटनास्थल वाले थाने की जगह दूसरे थाने या क्राइम ब्रांच से कराई जाएगी। घटना में किसी की मौत होने पर परिजनों को तुरंत सूचना दी जाएगी। हमारी सरकार अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही है। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में शांति, सुरक्षा और सौहार्द का एक नए युग की शुरुआत हुई है। दरअसल सुल्तानपुर डकैती मामले में 1 लाख के इनामी मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद अखिलेश यादव ने सवाल उठाया था। साथ ही उन्होंने एनकाउंटर को मुद्दा बनाते हुए मंगेश यादव को मारने का आरोप लगाया था। एनकाउंटर पर उठ रहे सवालों के बीच प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने ये दिशा निर्देश जारी किए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में दरोगा जी को अपनी रंगीन मिजाजी भारी पड़ गई। दरअसल दरोगा गजेंद्र सिंह पर मुंबई से एक युवती को लाने के दौरान अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है, जिसके बाद आरोपी दारोगा गजेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। बताया गया कि कानपुर की एक युवती कुछ दिनों पहले अपने घर से गायब हो गई थी। घर वालों की शिकायत पर पुलिस छानबीन में जुट गई। युवती के मुंबई में होने की जानकारी के बाद रेल बाजार थाने में तैनात दारोगा गजेंद्र सिंह मुंबई पहुंचे और उस युवती को बरामद कर वापस कानपुर के लिए निकल पड़े। लेकिन आरोप है कि गठीले शरीर और हीरो माफिक चश्मा पहने दारोगा साहब खुद पर काबू न रख पाए और बार बार उसे बैड टच किया। जांच के दायरे में लाया गया और जांच की तथ्य सही पाने पे तत्काल प्रभाव से इनको जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है और इसमें जो अग्रिम विधिक कार्यवाही है वो की जा रही है। कानपुर पहुंचने पर युवती के परिजनों ने इस बात की शिकायत अधिकारियों से की और जांच में सही पाए जाने पर दारोगा के खिलाफ कार्रवाई की गई। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के साथ साथ लोगों की परेशानियां भी बढ़ने लगी हैं। सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन जैसी समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ रहा है और लोगों की इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखकर दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने स्पेशल क्लिनिक की शुरुआत की, जिसका नाम है प्रदूषण जनित रोग निवारण केंद्र। अब यहाँ पर खास क्लिनिक बनाने पड़ रहे हैं सिर्फ प्रदूषण की समस्याओं को एड्रेस करने के लिए और आरएमएल हॉस्पिटल में एक ऐसा क्लिनिक बनाया गया है, वो पॉल्यूशन रिलेटेड इलनेस से ही सिर्फ वहाँ पर जांची जाएंगी। दरअसल प्रदूषण का स्तर बढ़ते ही राजधानी के अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी काफी बढ़ जाती है, मरीजों को इलाज के लिए काफी भटकना पड़ता है। ऐसे में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में स्पेशल क्लिनिक बनने से मरीजों को काफी सहूलियत हो रही है। सांस नहीं आ रही और आंखों में बहुत ज़्यादा जलन है और मतलब जब खांसी आती है तो इतनी जोर से आती है कि कभी कभी तो ऐसे लगता है पसलियों में पेन शुरू हो गया है। स्पेशल क्लिनिक में 5 विभागों के डॉक्टर एक छत के नीचे बैठकर मरीजों का इलाज करते नजर आए। इस क्लिनिक को खोलने का मकसद ये था कि लोगों में पॉल्यूशन को लेकर अवेयरनेस की भी ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस वजह से भी हम लोगों ने इसको खोला है। अगली खबर का रुख करेंगे और हम आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में कल रात गदर मच गया। गाजीपुर इलाके में कुछ दबंगों ने जमकर पत्थरबाजी की, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पत्थरबाजी का ये मोबाइल वीडियो है, इस वीडियो में देखिए करीब दर्जन भर लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंक रहे हैं। आसपास कई और लोग भी मौजूद हैं। सड़क पर जैसे कोहराम मचा हुआ है, लोग चीख चिल्ला रहे हैं, लेकिन पत्थरबाज जमीन से पत्थर उठाकर एक दूसरे पर लगातार फेंक रहे हैं।
कुछ लोग अपने घर की छत से पत्थर नीचे फेंक रहे हैं। घंटों तक ये हंगामा चलता रहा जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो गाजीपुर के मुल्ला कॉलोनी का है, जहां कुछ दबंगों ने मामूली कहासुनी के बाद पत्थरबाजी शुरू कर दी। लड़का काम पे आ रहा था तो इसके लड़के ने गाली गलौज करी, उसने मने करा अकेले ने, अकेला ही था मेरा तो, उनका तो घर था तो उनके उसके ऊपर भी इन्होंने मारपीट करने लगे। फिर छोटा लड़का आ गया मेरा दूसरा, तो इन्होंने फिर ऊपर से पत्थर, इनकी लेडीज ने ऊपर से पत्थर दिए और इन्होंने पथराव करा नीचे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। भारतीय एविएशन इंडस्ट्री में इन दिनों हड़कंप मचा हुआ है। पिछले एक हफ्ते के दौरान करीब 100 फ्लाइट्स में बम की धमकियां मिल चुकी हैं और सवाल ये भी है कि क्या ये किसी साजिश का हिस्सा है। भारत की एविएशन कंपनियों को लगातार धमकियां मिल रही हैं। कल ही अलग अलग एयरलाइंस के 14 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। पुणे से जोधपुर आने वाली इंडिगो की फ्लाइट को ईमेल पर बम से उड़ाने की धमकी मिली, जबकि जामनगर से हैदराबाद की फ्लाइट में भी बम की अफवाह के बाद अफरा तफरी मच गई। अहमदाबाद से लेकर पणजी, दिल्ली से लेकर मुंबई, कोझिकोड, पुणे, जोधपुर, जामनगर समेत देश के कई शहरों में विमान को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। कल ही दिल्ली से लंदन जा रही विस्तारा की फ्लाइट में बम की धमकी मिली। लगातार मिल रही इन धमकियों के बाद यात्री क्या सोचते हैं ये भी सुनिए। टोटली से फील कर रहे हैं, ये तो हमको रूमर्स ही लग रहा है। लगातार फ्लाइट में लेकर अफवाह फैलाई जा रही है, आपको डर लग रहा है फ्लाइट में सफर? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हालांकि एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, लेकिन सवाल यह है कि त्योहारी सीजन में विमानों को बम से उड़ाने की लगातार मिल रही धमकियां कहीं किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं है। लगातार मिल रही धमकियों से भारतीय एविएशन सेक्टर गंभीर संकट का सामना कर रहा है। इंडिगो से लेकर विस्तारा तक को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और इन एयरलाइंस कंपनियों को यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर जो स्टेप्स उठाने पड़ रहे हैं उसमें झटके में लाखों रुपए साफ हो जाते हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि झूठी कॉल्स से एयरलाइंस को कैसे करोड़ों का झटका या ये कहिए कि नुकसान उनको झेलना पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक किसी उड़ान के दूसरी दिशा में मोड़ने की स्थिति में एयरलाइंस को केवल ईंधन के लिए लगभग $5,00,000 यानी करीब 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च उठाना पड़ सकता है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक बम की अफवाह के कारण एयर इंडिया की एक उड़ान को दूसरी दिशा में मोड़ने से अनुमानित 30 से 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। विमान को डायवर्ट करने के दौरान लगभग 15,000 लीटर ईंधन की खपत हुई, जिससे करीब 16 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। इमरजेंसी लैंडिंग की और इकलुइट में ग्राउंड सेवाओं में 5 से 7 लाख रुपए खर्च होते हैं। अन्य खर्चीले आंकड़ों को अगर देखें तो एयरलाइंस को यात्री मुआवजा और चालक दल के ओवरटाइम समेत अन्य अतिरिक्त खर्चे पर अनुमानित 10 से 15 लाख रुपए लगाने पड़ते हैं। भले ही अब तक सभी धमकियां फर्जी निकली हों, लेकिन ये भारतीय एयरलाइंस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर चिंता का विषय। अगली खबर का रुख करेंगे यूपी के कानपुर में। करवा चौथ के मौके पर अपने घर जा रही महिला पुलिसकर्मी दरिंदगी का शिकार हो गई। उत्तर प्रदेश महिला पुलिस के हेड कांस्टेबल को सुनसान इलाके में अकेला पाकर एक दरिंदे ने उसके साथ रेप किया और इस घटना को तब अंजाम दिया गया जब वो महिला सिपाही करवा चौथ मनाने के लिए अयोध्या से अपने घर लौट रही थी। आरोप है कि तभी एक दरिंदे ने अंधेरे का फायदा उठाकर उस महिला सिपाही को दबोच लिया। आरोपी उस महिला को जबरदस्ती खेत में ले गया और उसके साथ रेप किया। इस दौरान महिला ने विरोध किया जिसमें उसका एक दांत भी टूट गया। बाद में शोर मचाने पर आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। ये घटना कानपुर के सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र का है। बताया गया कि घटना के बाद महिला सिपाही ने किसी तरह इस बात की खबर पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस भी हरकत में आई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। Z News.